ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अभी तक हमने क्या सिर्फ चार्जेस पॉइंट चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। एक अगर इन रॉड है उस पर चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिंग पे अगर चार्ज दे दें तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये निकाल दें। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है इसमें सबसे पहले लिखो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिख लो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यूनिफॉर्म बोलने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ यूनिफॉर्म मटेरियल के लिए निकालते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है देखो ना ये मान लो एक रिंग है, रिंग की रेडियस ले लो भाई ए ले लेते हैं, रिंग की रेडियस ए है, रिंग पे तुमने कोई चार्ज दे दिया और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने, ये चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा है ना चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि एक वायर की होती है ना रिंग, तो डिस्क के लिए सिग्मा लिखेंगे। ये चीज फिर से बताने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें याद है ना जब हमने इंटीग्रेशन करे थे उस टाइम पे मैं बता देता हूँ भाई। देखो लैम्डा होता है तुम्हारा वहां पे मास पर यूनिट लेंथ होता था, यहां पर लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तुम पे भरोसा नहीं है मुझे, तुम लिखो यहाँ पे साइड में। देखो ये लैम्डा है अपना चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जब मैं डी क्यू निकालूंगा वो क्या होगा तुम्हारा, लैम्डा डी एल, ये इंटीग्रेशन में काम आएंगे ना, ठीक है। तुम्हारा सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो जब डी क्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा डी ए, ठीक है। और तुम्हारा रो, रो क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो जब डी क्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रो डी वी। ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नहीं पता तो लिख लो, अब आगे से मत पूछना। तो इसके लिए हम लैम्डा है ना, इसका लैम्डा हमको गिवन है, मान लो लैम्डा गिवन है या फिर टोटल चार्ज गिवन है, तुम निकाल ही लोगे जो भी है, ठीक है। अगर मान लो इस पर टोटल चार्ज क्यू है तो बताओ लैम्डा क्या होगा, कैपिटल क्यू, मान लो इस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो लैम्डा कितना होगा, क्यू बाय टू पाई ए, ऐसे रिलेशन निकाल लेंगे ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अब कुछ भी दे हमें फर्क नहीं पड़ता है ना, टोटल चार्ज से हम लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा से टोटल चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको, अच्छा बता सकता है कोई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दिख रहा है ना सिमेट्री से हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हम कहाँ निकालना चाह रहे हैं, सेंटर में नहीं, हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। से यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ जो कि इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर, ठीक है, या फिर एक्स मान लो, तुम बताएं आर को रेडियस से कन्फ्यूज करने लगोगे बाद में, एक्स ले लो इस डिस्टेंस को, रेडियस को ए से बताएं स्मॉल ए से, ना फॉर्मूले याद रखने क्योंकि ये, और डिस्टेंस कितना ले लिया एक्स, क्लियर है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पी पे जो कि रिंग की एक्सिस पे लाई करता है उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। तो अगेन देखो हमें तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आती है पॉइंट चार्ज के कारण, हमें तो अभी वही आता है इसे पॉइंट चार्ज के कारण, वो क्या बोलता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिक्कत होगी कि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेट करेंगे ना, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट मान लो, रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, से इस पे चार्ज कितना है डी क्यू, डी क्यू कितना होगा, डी क्यू कितना हो जाएगा बताओ, लैम्डा इंटू डी एल, जो भी होगा ना जरूरत पड़ने पे लिख देंगे, ठीक है। इसका लेंथ है डी एल, इस एलिमेंट की लेंथ है डी एल, और इस पे चार्ज कितना है डी क्यू। तो इस चार्ज के कारण सबसे पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है जो छोटा सा एलिमेंट माना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी इसके कारण, ऐसी निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस चार्ज को जब इस पूरी रिंग पे करूंगा इस तरह से वेरी, तो हर एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। पर एक चीज सोच के देखो, अगर यहां पर मान लो इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट मान लो एक अगर मैं डी क्यू चार्ज मानूं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकलेगी,
ऐसी निकलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि हर एक एलिमेंट, और ऐसा तुम सर्कुलर में सोचो, समझे, अगर तुम सर्किल में सोचोगे तो ये जो डी डी आ रहे हैं ना, ये कॉनिकल निकल के आएंगे ऐसे, तो इनको तुम डायरेक्ट राइट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है, और हर एक जो तुमने एलिमेंट्री चार्ज माना है, हर एक एलिमेंट्री चार्ज के कारण जो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है डी, वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, इन दो के कारण दिख रहा है ना। अब सोचो रिंग ऐसी है, जो इधर पे जो चार्ज होगा उसके कारण यहाँ जा रही होगी, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके कारण यहाँ पे जा रही होगी, कर पा रहे हो इमेजिन? तो सारे के सारे डी अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो वेक्टर एक, हमको वेक्टर इंटीग्रेशन और समेशन एक ही चीज़ होती है ना, है ना, तो हमको वेक्टोरली ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? कंपोनेंट्स निकाल दो, है ना। अगर मैं इसका कंपोनेंट निकाल लूँ, मुझे ये चीज़ तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि इन सबको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, पर इसका मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। एक डी का कंपोनेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको अपन बोल देते हैं डी पैरेलल टू द एक्सेस, और एक इस डायरेक्शन में निकाल लेते हैं डी परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। सेम तुम बताएं इस ब्लू वाले के निकालो जो नीचे, तो इसका भी इस डायरेक्शन में क्या आएगा? डी पैरेलल। टी वाले तो सेम डायरेक्शन में आ गए, पर यहाँ वाला कहाँ चला गया? अपोजिट में। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अरे सोचो, एक्सेस समझ रहे हो ना, जो रिंग की एक्सेस होती है वो रिंग के हर एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होती है। बताओ डी की वैल्यू क्या होगी? चलो ये बताओ डी की वैल्यू क्या होगी, बोलो। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस मान लेते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पॉइंट चार्ज के कारण? के क्यू। क्यू कितना है तुम्हारा? डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस। ये तो कोई इसमें कोई डाउट है क्या? पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। तो दिख गया भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी के लिए सेम है, चाहे इस एलिमेंट को लें चाहे इस एलिमेंट को लें। तो अब ये चीज़ समझ में आ रही, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एलिमेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो उनको लेने की जरूरत नहीं है ना। सीधे मैं इनको ऐड कर दूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, है ना, ऑब्वियसली। और सिमेट्री भी बोल रही है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ही हो सकती है, किसी और डायरेक्शन में नहीं हो सकती, या तो इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी, पर अलोंग द एक्सिस ही होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बताओ डी ई पैरेलल कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये एंगल मान लो कुछ भी, इसको थीटा मान लेते हैं, ये भी क्या हो गया? तो क्या हो गया ये डी ई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, है ना। डी तुम्हारा क्या है? के डी क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर अपन बताए, इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसको एक काम करो, इस डिस्टेंस को अपन थीटा के टर्म में लिखते हैं, है ना, एक्स की जगह थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करते हैं ना, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को अपन बताओ क्या लिख सकते हैं? आर को, आर को ए के टर्म में बोलो, जल्दी बोलो यहाँ पे बताओ भाई। तुम बोल सकते हो टेन साइन थीटा इक्वल टू ए बाय आर, बोल सकते हैं क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय आर, तो तुम्हारा आर क्या हो गया? ए बाय साइन थीटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तुम्हारी? बाई आर स्क्वायर, यही होती है। तो यहाँ पे उसकी टर्म में रख दो, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। ये तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है क्या? आप देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अच्छा, अपन तो थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करने वाले ना, अभी तो मैं थीटा के टर्म में करूँगा, तो कॉस थीटा को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो डी ई पैरेलल कितना हो गया मेरा? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कितना हो रहा है बताओ अपना? ए बाय ए, अच्छा ए स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेंट ऑफ डी ई पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, ये एक चीज़ देखो, ये थीटा वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट, ये बताओ। थीटा कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, एक्स वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है? कॉन्स्टेंट है एक्स भी,
अरे भाई एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में हमारा एलिमेंट क्या है, ये है ना, इस एलिमेंट को मैं इस रिंग पे कहीं पर भी लूँ, क्या x और थीटा वेरी कर रहे हैं? x और थीटा कॉन्स्टेंट, तो हमें इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि थीटा और x को तो इंटीग्रेट करना ही नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेट तो सिर्फ dq हो रहा है, तो तुम कुछ भी लेके चलो सही है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो फालतू इतनी मेहनत कर दी, चलो ठीक है डॉ, ये साइन थीटा वगैरह में कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉस थीटा को सीधा क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ से, एक्स बाय आर, तो यहाँ पे क्या आ गया ये एक्स बाय आर क्यूब। ठीक है, अब देखो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, k बाहर आ गया, x बाहर आ गया, r भी बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा इंटीग्रेंट डी क्यू। इंटीग्रेंट डी क्यू क्या देगा तुमको, इंटीग्रेंट डी क्यू मतलब क्या है, छोटा छोटा चार्ज रिंग पे ऐड करो पूरी रिंग पे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा रिंग पे, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, के एक्स क्यू बाय आर, और आर कितना है तुम्हारा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/। देखो कहीं कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग इज मैक्सिमम। मैथ्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का, एक्स की किस वैल्यू के लिए रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसको घर पे जाके आराम से सॉल्व करना है ना, मैक्सिमम मिनिमा लगाना है, कुछ नहीं करना है ना तुम्हें। क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकल के आई है, के क्यू एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तुम्हें ई को मैक्सिमम करना है, वेरिएबल एक्स है, तो क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और जब ये करोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा, ये ऐसा होता है एट एक्स इक्वल टू ए वाई रूट टू, या फिर प्रेसेंटली बोलो तो प्लस माइनस ए वाई रूट टू। तो एक्स की इस वैल्यू के लिए तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये कर लोगे खुद से, है ना, इसका ग्राफ बनाओ, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ, अब इस बार गलत मत बनाना ना। देखो भाई एक्स को जीरो रखेंगे तो क्या आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो देख रहे, और रिंग के सेंटर पे जीरो होती भी है, और कहाँ का जीरो होगी बताओ, एक्स को इन्फिनिटी रखने पे क्या हो रही है, हो रही है जीरो, ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट नहीं बन रहा क्या, बन तो रहा है, तो फिर लिमिट लगाओ, है ना, मुझे फाइंड करना है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मुझे ये निकालना है, तो लगाते हैं लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन सॉल्व, ये क्या आ रहा है, फॉर्मेट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर करना है एक्स क्यूब का, यहाँ से क्या करो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो यहाँ से, है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो पहले एक्स क्यूब बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2, देखो यही बचेगा क्या। ठीक है, अब देखो इससे एक एक्स कट गया तुम्हारा, तो ये आ गया तुम्हारे, क्या इक्वेशन आ रही है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। देखो भाई अगर x को इन्फिनिटी करना है ना, तुम्हारी लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x को यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 प्लस 1 1 हो गया, अब यहाँ पे इसको इन्फिनिटी रखोगे तो क्या बन जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। और इसको डायरेक्ट तुम ये देख सकते हो, जब ऊपर नीचे दोनों x आ रहे हैं तो किसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3, समझ में आ रहा है, ये एक्स क्यूब है और ये क्या है तुम्हारा x, तो ऑब्वियसली एक्स क्यूब ज़्यादा फास्ट रेट से राइज करेगा, दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, पर इन्फिनिटी भी अलग अलग तरीके होती है ना, कई तरीके की इन्फिनिटीज होती हैं, एक्स क्यूब की इन्फिनिटी x से बहुत बड़ी है, तो ये जीत जाएगी ना, तो 0 आ जाएगा, ये क्लियर है क्या। ठीक है बनाओ भाई, अब हमने ये भी देखा था कि भाई कहीं पर मैक्सिमा भी आ रहा था,
जब हमने देखा स्लोप दो ही जगह जीरो हो रहा था, तो उन दो जगहों पे मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा, तो इस जगह पे ऐसा बन जाएगा ग्राफ। मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में तो मैक्सिमा ही है, पर डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा। ये माइनस ए वाई रूट टू है और ये ए वाई रूट टू, और ये बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगा। अच्छा, ये तो नेचुरल नंबर्स ज़्यादा हैं या फिर इवन नंबर्स ज़्यादा हैं? नेचुरल नंबर इवन नंबर से ज़्यादा है या फिर इवन नंबर नेचुरल नंबर से ज़्यादा है या फिर दोनों बराबर हैं या फिर कंपेयर नहीं कर सकते या फिर ये बकवास क्वेश्चन है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। इस तरह के क्वेश्चंस का फिलोसफी है, रियल वर्ल्ड में कोई यूज़ नहीं है। देखो रियल वर्ल्ड में बहुत यूज़ है इस तरह के क्वेश्चंस का, है ना? फिजिक्स में हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स इनके बिना आगे नहीं बढ़ती है, तो ये फिलोसफिकल नहीं है ये क्वेश्चंस। तो बताओ कौन से ज़्यादा हैं, करो प्रूव करो, जो भी जवाब दे रहे हो उसको प्रूव करो।